डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगेन एक टॉपिक मेडिसिनल केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री की हमने बहुत सारे वीडियो जो वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोकल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। लोकल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन में देखिएगा, लोकल एनेस्थेटिक दैट इज द क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं पहले से कि हमने पहले से ही क्या लोकल एनेस्थेटिक का एसएआर अपलोड कर चुके हैं, मींस आप लोगों ने देख लिया और अपन ने डिस्कस कर लिया। ओके, तो अपन बात करते हैं, जब अपन ध्यान एक चीज और ध्यान देने वाली है, हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लोकल एनेस्थेटिक्स का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज को देखना है। जब मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको वहां पे स्ट्रक्चर लिखना जरूरी है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर कैसे याद करनी है, किस तरह से हमें याद रखना है, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो समझना लाजिकली और मेरे साथ स्टेप बाय पूरा का पूरा वीडियो देखना ताकि आपको पूरी चीज समझ में आए। ओके, तो आपको देखना है, पहला है एस्टर्स। एस्टर क्या होता है आपको एक चीज बता दूं, एस्टर होता है एल्कोहल और एसिड का जो कंपाउंड बनता है उसको अपन एस्टर बोलते हैं। मींस एस्टर इक्वल टू एल्कोहल प्लस एसिड, ठीक है। तो हम बात करें जैसे बहुत सिंपल सी मैं बात करूं यहाँ पे, तो लॉजिकली समझना। यहाँ पे जैसे सपोज सी एच थ्री सी डबल ओ एच एसिड है और यदि एल्कोहल सी टू एच फाइव ओ एच ये एसिड एल्कोहल है तो हमें एस्टर मिलता है सी एस थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव। ओके, इस तरह से हमारा एस्टर हो गया। तो अब अपन बात करेंगे, ये तो एस्टर हो गया, इस एस्टर को आप लोग देखेंगे तो देखना आप लोग यहाँ पे इसकी पहली कैटेगरी है, दैट इज पहली कैटेगरी का मतलब एमिनो एल्काइल एस्टरो पाबा। एमिनो एल्काइल एस्टरो पाबा का मतलब, पाबा का मतलब होता है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड क्या होता है समझना, यहाँ पे बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाते हैं तो हम इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसकी पैरा पोजीशन पे NH2 लगा देंगे तो हम इसको बोलते हैं पाबा, मींस पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। ओके, इसको हम पाबा बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, ये NH2 आ गया, ये वाला NH2 आ गया, बेंजीन आ गया और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, इसका एस्टर बन रहा है, मतलब ये वाला पार्ट बन रहा है। तो आप लोग देखेंगे इसमें, यहाँ पे अगेन इन चीज को समझना, यहाँ पे हम इसका साथ में ही चारों ड्रग का नाम एक साथ याद करेंगे। कैसे देखिएगा, यहाँ पे NH2 है, ये बेंजीन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये CH2 ग्रुप है, नाइट्रोजन है और दो 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 मिथाइल मिथाइल ग्रुप है। देखना इसको, इस कैटेगरी ग्रुप को याद कैसे करना, एमिनो एल्काइल एस्टर ऑफ पाबा। पाबा तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा पाबा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा पाबा हो गया, ठीक है। इसका एस्टर बना है, ये वाला हमारा एस्टर हो गया और एमिनो एल्काइल क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा एमिनो एल्काइल हो गया। कीप इन माइंड एमिनो एल्काइल ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम कैटेगरी से ही सबको समझ में आ रहा है, एमिनो एल्काइल ये वाला पार्ट हो गया, पापा ये वाला पार्ट हो गया और एस्टर ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे तीनों चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पे यदि x के इक्वल जो ये वाला पार्ट एक्स, यदि एक्स है तो इसका स्ट्रक्चर दैट इज प्रोकेन। देखिएगा प्रोकेन, प्रोकेन आ गया और यहाँ पे दूसरी चीज समझना, यदि क्लोरीन ग्रुप आ गया तो क्लोरो प्रोकेन समझ में आ रहा होगा, यदि इथॉक्सी ग्रुप आ गया तो प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी का मतलब तीन कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आ गया, प्रॉप बोलते हैं तीन कार्बन को और उसके साथ एक ऑक्सीजन और आ गया तो दैट इज प्रोपॉक्सी केन समझ में आ रहा होगा। इसमें मतलब वो तीन कार्बन के साथ में प्रोपॉक्सी बोलते हैं, केन समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यदि ऑक्सीजन के साथ में चार कार्बन जो होंगे तो बेनॉक्सीनेट होता है, बेस से याद रखना ब्यूटाइल, मतलब बी से फोर ब्यूटाइल। तो इस तरह से आपके चारों के चारों नाम याद हो गए होंगे और यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर भी आपको याद हो गई होगी। ओके, तो ये हो गया एमिनो एल्काइल एस्टर ऑफ पाबा। अब अपन दूसरी कैटेगरी, इसी एस्टर की दूसरी कैटेगरी समझे, एस्टर की दूसरी कैटेगरी देखना, एल्काइल एस्टर्स ऑफ एमिनो बेंजोइक एसिड।
देखिएगा एल्काइल एस्टर ऑफ एमिनो बेंजोइक एसिड, ध्यान रहे यहाँ पे हमारे सामने पापा नहीं है, तो देखिएगा कैसे ओर्थो के एक आ रहा है एमिनो एल्काइल एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड, देखिएगा ओर्थो के एमिनो ग्रुप है यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे पहला पोजीशन पे नहीं है, ओर्थो पोजीशन पे है एमिनो ग्रुप, यहाँ से ये अल्फा सॉरी इससे ओर्थो शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे ओर्थो किसका ऑक्सी ओएच से जो पहले वाली पोजीशन थी उससे ओर्थो पोजीशन शिफ्ट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं ओर्थो के। ओके सिमिलरली जैसे बेंजोकेन आ रहा है तो बेंजोकेन में समझना, बेंजोकेन में आगे ये पापा ही है, पापा है लेकिन कीप इन माइंड इसमें एमिनो एल्काइल नहीं है, यहाँ पे इस तरफ ये वाला पार्ट, इसलिए हमने इस बेंजोकेन को यहाँ हमने नहीं लिया था, ठीक है। तो एमिनो बेंजोइक एसिड है, एमिनो बेंजोइक एसिड का मतलब हमने यहाँ पे एमिनो ग्रुप की पोजीशन को एक जगह फिक्स नहीं किया, वो एमिनो पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे भी हो सकता है, दैट मैटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इसके कंपैरिजन में मेटा यहाँ पे है लेकिन नॉर्मल पोजीशन जो पापा की एक पोजीशन शिफ्ट हो गया, इसलिए इसको ओर्थो के बोलते हैं। ओके तो ये सेकंड कैटेगरी हो गई, थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे, थर्ड कैटेगरी कौन सी हो गई हमारी, एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड, एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड, ध्यान दीजिएगा बेंजोइक एसिड क्या होता है, जैसा अभी मैंने बताया था बेंजोइक एसिड बेंजीन पे आप क्या करोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दोगे तो हमारा बेंजोइक एसिड हो गया। अब यहाँ पे हम यदि ऐसी जगह हम यहाँ पे आर लगा देंगे तो वो एस्टर हो गया, तो यही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड और यहाँ पे ये आर लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे एस्टर है, ठीक है। यदि हम बात करेंगे यहाँ पे ये वाला बाइसाइक्लोरीन सिस्टम लगा देंगे विद अलोंग विद द एस्टर अगेन, तो वो हमारा कोकेन एक एस्टर बनता है जो लोकल एनेस्थेटिक की तौर पे भी काम करता है, हालांकि कितना यहीं पे इस आर की ही बात कर रहे हैं, जो मैं यहां फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं मैं, दैट इज मैप्राइलिन, मैप्राइलिन से समझना, मैप्राइल देखिएगा मैप्राइल से क्या याद रखना, प्रोब से तीन कार्बन होते हैं, ओके तीन कार्बन होते हैं, तो देखिएगा तीन कार्बन यहाँ पे है और इस मै एक दूसरा देखिएगा मिथाइल एम से मिथाइल याद रखना, तो तीन कार्बन के साथ एक मिथाइल और जुड़ गया तो मैप्राइल हो गया, इस तरह से मैप्राइलिन हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आइसोब्यूकेन देखिएगा, आइसोब्यूकेन समझना, लॉजिक समझना आपको शायद समझ में आ जाएगा। यदि हम यहाँ पे चार कार्बन लेते हैं तो इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन, ओके एन ब्यूटेन बोलते हैं। यदि यहाँ पे इस तरह से चार कार्बन होंगे तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, क्या बोलेंगे आप लोग, आइसोब्यूटेन। देखिएगा चार कार्बन इस तरह का बेसिक स्केलेटन होना चाहिए, चार कार्बन इसी तरह का बेसिक स्केलेटन है, देखिएगा यहाँ पे ये चार कार्बन ये हो गया और चार कार्बन ये हो गया, तो आइसोब्यूटाइल वाला पार्ट आ गया आइसोब्यू, आइसोब्यू से आइसोब्यूटाइल याद रखना, आइसोब्यूटाइल ये आइसोब्यूटाइल ये हो गया, दूसरा आइसोब्यूटाइल ये हो गया, इस तरह से हम आइसोब्यूकेन का स्ट्रक्चर रखेंगे, आइसोब्यूकेन इसमें आ गया एस्टर में आ गया। ओके सिमिलरली नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास आप लोग यहाँ पे देखिएगा कैसे यहाँ पे पाइप्रोकेन है, पाइप्रोकेन कैसे याद रखना है, यहाँ पे जो ये रिंग सिस्टम है हम इसको क्या बोलते हैं, देखिएगा आप लोग यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं ये वाली बेंजीन है, बेंजीन में यदि मैं एक नाइट्रोजन जोड़ देता हूँ तो उसका नाम होता है पाइरिडीन, क्या नाम होता है आपका, ये पाइरिडीन ही सिस्टम हो गया। ओके पाइरिडीन के यदि मैं सारे के सारे डबल बॉन्ड हटा देता हूँ मींस सैचुरेट कर देता हूँ, सैचुरेट करने से जैसे कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी आपके सामने, ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। ओके इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पाइप्रिडीन, क्या बोलेंगे, पाइप्रिडीन बोलेंगे, और ये पाइपर वार्ड ही आपके कहां आ रहा है, इसमें पाइप्रोकेन में आ रहा है, तो आपको याद रखना है पाइप्रोकेन मींस पाइप्रिडीन सिस्टम है इसमें, इसीलिए हम इसको पाइप्रोकेन बोल रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा नेक्स्ट ड्रग हो गया, एस्टर्स ऑफ
बेंजोइक एसिड। इस तरह से हमारे इसमें कितने ड्रग हो गए, एक ड्रग हो गया प्रोपोकेन, दूसरा मैप्राइल के, तीसरा यहाँ पे आइसोब्यूकेन और चौथा यहाँ पे पाइप्रोन के। ओके, ये हमारे पास चार ड्रग्स हो गए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज एस्टर के अलावा, मतलब ये ए हो गया और हमारा ये बी कैटेगरी नॉट फोर्थ, ये हमारी बी कैटेगरी है। बी कैटेगरी में देखिएगा एनिलाइड्स और एमाइड्स। ये एनिलाइड्स और एमाइड क्या होते हैं ये चीज समझा देता हूं मैं आपको, आप लोग समझना। बहुत सिंपल सा है, यदि मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेता हूं आर सी डबल ओ एच, यदि ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में यदि आर सी डबल ओ, इसकी OS को हटा के NH2 ग्रुप लगा दूं तो हम इसको बोलते हैं एमाइड। ओके, ये हो गया हमारा एमाइड। अब आप लोग ध्यान देना, ये तो हो गया एमाइड जिसका मतलब CONH फॉर्म में NH2 फॉर्म आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एमाइड बोलते हैं। क्लियर? एक तो हमारा एमाइड फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है देखिएगा, यदि मैं यहाँ पे बेंजीन के ऊपर यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दूं तो हम बोलते हैं इसको एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। यदि इस एनिलीन को नेक्स्ट आगे में सब्स्टिट्यूट करता हूं, लॉजिक समझना आप लोगों को समझ में आ जाएगा। NH यहां पे आया और COCH3 ऐसे जोड़ देता हूं, मतलब जो हम यहां पे एमाइड बना रहे थे तो यहां पे जो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन ये वाला एनिलो ग्रुप था, वो एनिलो ग्रुप यदि हम एनिलीन वाला ले लें तो ये वाला एनिलीन वाला एनिलो ग्रुप हो गया ये वाला, और यहाँ पे ये एमाइड लिंकेज हो गया। तो जो इस तरह का जो लिंकेज बनता है इसको हम वर्ड बोलते हैं एनिलाइड। क्या बोलेंगे हम? एनिलाइड। ध्यान दीजिएगा, समझना, एनिलीन यहाँ पे दो, ये एनिलाइड दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक आधा वर्ड तो कौन सा आ रहा है, ये एनिलीन से आ रहा है, ये आधा वर्ड एनिलीन से आ रहा, आईडी ये किससे आ रहा है, एमाइड से आ रहा है, क्योंकि ये दोनों का फ्यूजन है, एनिलीन और एमाइड का दोनों का फ्यूजन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनिलाइड। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, एनिलाइड क्या हो गया, मींस एनिलीन और एमाइड के फ्यूजन को हम एनिलाइड बोलते हैं। ओके, ये तो हमारा एक आंसर हो गया। अब अपन बात करते हैं, आप लोगों को समझना, अब यहाँ पे इस तरह का जो लॉजिक बन गया, यदि इसी को मैं आपको आगे थोड़ा सा एक चीज और बता दूं तो आप लोग समझना किस तरह से होता है। देखिएगा यहाँ पे इस एनिलाइड पे यदि मैं यहाँ पे, ये तो हो गया आपका एनिलाइड। ओके, इस तरह से एनिलाइड हो गया। यदि मैं यहाँ पे CH3 जोड़ दूँ, यहाँ पे CH3 जोड़ दूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, जाइलीन हो गया। और जाइलीन हो गया तो जाइलीन का आप लोगों को क्या समझना है, जाइलीडीन बोलते हैं अपन इसको। क्या बोलेंगे इसको? जाइलीडीन बोलते हैं। तो आपके सामने जाइलीडाइड बनता है, ये जाइलीडाइड बनता है, देखिएगा समझना, इसको हम जाइलीडीन बोलते हैं। जाइलीडीन जो एनिलाइड था, एनिलीन था, एनिलीन में दोनों CH3 ग्रुप नहीं था, लेकिन यहाँ पे दोनों में CH3 ग्रुप जैसे जोड़ते हैं तो एनिलाइड की जगह उसको हम क्या बोलेंगे, जाइलीडाइड बोलेंगे। जाइलीडाइड का डेरिवेटिव इस तरह से बनता है। ओके, तो इसको समझना, यही चीज मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। देखिएगा ये बेंजीन है, CH3 है, यहाँ पे NH आ गया, यहाँ पे NH के बाद में CO आ गया, जो बाकी ये CH3 वाला पार्ट है, ये CH3 वाला पार्ट है, इस CH3 वाले पार्ट को मैं यहाँ पे R बोल रहा हूँ। अब देखना इस R की जगह हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब एनिलाइड तो है ही है इसमें, लेकिन इसके ब्रॉडर रूप में हम इसको क्या बोल सकते हैं, जाइलीडाइड। क्या बोलेंगे आप लोग इसको? जाइलीडाइड। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूं आपको याद रखने के लिए, इसको बोलते हैं जाइलीडाइड। ओके, ये जाइलीडाइड हो गया। जाइलीडाइड क्यों हुआ, अगेन बोल रहा हूं, CH3 और CH3 ऐड करने से जाइलीडाइड बन गया। यहाँ पे यदि इस R की जगह CH2 N और CH2 CH3 ये वाली रिंग सिस्टम लगाएंगे
तो लिडोकेन बोलते हैं। लिडोकेन को हम दूसरा नाम लिग्नोकेन भी बोलते हैं, और लिग्नोकेन का दूसरा नाम या लिडोकेन का दूसरा नाम जाइलोकेन भी होता है। जाइलोकेन आपको शायद समझ में आ गया होगा, जाइलोकेन इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जाइलीडाइड इसमें रिंग सिस्टम होता है, इसीलिए हम लिडोकेन को जाइलोकेन बोलते हैं। ओके, फिर इसी के बारे में देखिएगा नेक्स्ट आता है, यहाँ बेसिक जो ये प्रोटो इसको लिडोकेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप ड्रग बोलते हैं। कौन सी कैटेगरी का, एनिलाइड या एमाइड कैटेगरी का। अब हम इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए देखिएगा आप लोग, हम क्या कर रहे हैं, एक तो CH3 यहाँ बढ़ा रहे हैं, दो कार्बन यहाँ बढ़ा रहे हैं। दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। एथ बोलते हैं, एथ बोलते हैं तो इससे याद रखना इटिडोकेन हो गया, ये आपका इटिडोकेन हो गया, मतलब इस आती जगह। यदि यहाँ पे ध्यान देना नेक्स्ट या था बुपिवाकेन, बुपिवाकेन, मेपिवाकेन, रोपिवाकेन, ये तीनों ड्रग कैटेगरीज में हम ध्यान दीजिएगा आप लोग, पाइप्रिडिन रिंग सिस्टम आ रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसमें बताया था, पाइप्रिडिन रिंग सिस्टम में देखिएगा बुपिवाकेन हो गया एक हमारा, मेपिवाकेन में इन तीनों में वा जो वर्ड आ रहा है, वा वा और वा, ये इन सभी में वा से याद रखना पाइप्रिडिन, इस तरह से इन तीनों में याद रखना वा से याद रखना, हमारे पास इसको पाइप्रिडिन याद जुड़ा हुआ है, पाइप्रिडिन है तो इसमें इसमें साथ में मैपिवा से याद रखना, मैपिवा से याद रखना मिथाइल, और रोपी से याद रखना तीन कार्बन प्रोपाइल। ये हो गया हमारा कौन सा, एनिलाइड्स और एमाइड्स का कैटेगरी का, क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एस्टर कैटेगरी हो गई, एस्टर में तीन क्लास हमने पढ़ ली है, एमिनो एल्काइल एस्टर ऑफ पापा, एल्काइल एस्टर ऑफ एमिनो बेंजोइक एसिड एंड एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड। लास्ट में थर्ड कैटेगरी होगी हमारी एनिलाइड, सो सेकंड कैटेगरी बी, ए तो था एस्टर, दूसरा बी हो गया एनिलाइड और एमाइड। ओके, कैटेगरी पढ़ी थी कौन सी, एमाइड या एनिलाइड्स। ओके, उसी का कुछ पार्ट और है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एनिलाइड्स और एमाइड्स। ध्यान दीजिएगा मैंने जाइलिडीन का कंसेप्ट बताया था अभी और एनिलाइड का कंसेप्ट बताया था, जाइलिडीन मतलब जाइलिडाइड और एनिलीन से मतलब एनिलाइड। ओके, तो यहाँ पे उसी का पार्ट है ये वाला, अगेन जाइलिडीन पार्ट आ गया जिसमें पाइरोकेन आ रहा है। देखिएगा हम इसको पाइरोकेन क्यों बोलते हैं, ये वाला जो रिंग सिस्टम है ये हमारा पाइरोल होता है। पाइरोल क्या होता है, फाइव मेंबर रिंग नाइट्रो कंटेनिंग नाइट्रोजन, हम उसको पाइरोल बोलते हैं। ये आपका पाइरोल है और यहाँ पे पाइरोल का सैचुरेटेड फॉर्म रहता है, जिसलिए इस पाइरोल से आपको याद रखना है पाइरोकेन। ओके, मींस इसमें पाइरोल रिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है। सिमिलरली आप नेक्स्ट देखेंगे ब्यूटानेलिकेन, ब्यूटानेलिकेन में देखिएगा यहाँ पे चार कार्बन है तो ब्यूट आता है, तो ब्यूट से याद रखना ब्यूटा एनिलीन, एनिलीन से याद रखना एनिलीन हो गया ये वाला जो ये जाइलिडीन वाला पार्ट हो गया, तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर बनता है। सिमिलरली नेक्स्ट आता है प्राइलोकेन, प्राइलो से प्राइ से याद रखना आपको तीन कार्बन, प्राइ से प्रॉप याद रखना, तो तीन कार्बन ये वाला, तीन कार्बन ये हो गया, सिमिलरली तीन कार्बन आपका ये हो गया, तो इस तरह से आपको दो जगह तीन कार्बन बनाना है तो मतलब प्राइलोकेन हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है डाइब्यूकेन, डाइब्यूकेन का हमें सिंथेसिस भी पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो पीछे का सिलेबस है उसमें आपको स्टार लगा हुआ, इसका मतलब आपको इसका सिंथेसिस पढ़ना है। डाइब्यूकेन है, डाइब्यूकेन ब्यूट से याद रखना, ब्यूट ब्यूटाइल ग्रुप आ रहा है तो ये हो गया ब्यूट, और डाई डाई से फिर दूसरा दो रिंग सिस्टम है, या इसको हम वैसे इस रिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्यूनोलिन रिंग सिस्टम बोलते हैं। ओके, ये क्यूनोलिन रिंग सिस्टम है, इसका मैं वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूँ, सिंथेसिस ऑफ डाई ब्यूकेन, यदि आपने वो नहीं देखा है तो देखना है आप लोगों को। ओके, तो ये पार्ट हो गया आपका एनिलाइड और एमाइड्स का। सिमिलरली नेक्स्ट अब थर्ड बी का पार्ट ये था, सी पार्ट आता है दैट इज मिसलिनियस। मिसलिनियस में मतलब यहाँ पे छोटी छोटी केमिकल कैटेगरीज है जिनको हम ड्रग यूज कर रहे हैं, तो किस तरह से देखिएगा, इसकी पहली कैटेगरी आपकी यूरेथेन,
यूरेथेन हम किसको बोलते हैं आप लोग समझना, ये वाला जो पार्ट होता है NH, देखिएगा यहाँ पे इसको किस तरह से याद करना है, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, उसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, और यहाँ पे इस NHCH3 की जगह यदि मैं यहाँ पे NH2 जोड़ दो COOH बोलता हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बामिक एसिड बोलते हैं। कार्बामिक एसिड का जो एस्टर बनता है उसको हम बोलते हैं यूरेथेन, मतलब यहाँ पे OH की जगह CH3 आ जाएगा, तो इस तरह से एस्टर बन गया। तो ये वाला जो पार्ट बना, ये वाला पार्ट क्या है, यूरेथेन है, और यहाँ पे दो है तो डाइपर डाइप्रोकेन बन गया। तो यहाँ पे दो पार्ट है तो उससे दो याद रखना है, दोनों से कैसे याद रखोगे आप लोग देखिएगा, डाइप्रो डाइप्रोकेन याद रखना, मतलब यूरेथेन दो है, प्रो से याद रखना एक दो और तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है साथ में ये, इसलिए इसको डाइप्रोकेन याद रखना। ओके, फिर ये हो गया हमारा यूरेथेन। उसके बाद में सेकंड मिसलिनियस में सेकंड कैटेगरी आती है एमिनो कीटोन्स। एमिनो कीटोन्स आप लोग समझना, मतलब एमिनो ग्रुप है मतलब नाइट्रोजन है, और कीटोन का मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड के साथ में। देखिएगा आप लोग कैसा है, ये तो कीटोन ग्रुप हो गया, कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन क्या है, एमिनो फॉर्म में है, लेकिन ये रिंग सिस्टम में है, कीप इन माइंड, याद रखिएगा। यदि इसमें तीन कार्बन इस आर पे यदि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन की यहाँ पे देखिएगा मतलब ईथर लिंकेज है, ईथर लिंकेज में यदि तीन कार्बन है तो उसको फैलिकेन बोलते हैं, और चार कार्बन वाला ईथर लिंकेज तो उसको डाइक्लोनिन बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एमिनो कीटोन्स। फिर उसके बाद में थर्ड कैटेगरी आती है हमारी एमिनो ईथर्स। एमिनो ईथर्स में देखिएगा, एमिनो ईथर्स का मतलब उसमें एमिनो ग्रुप है, मतलब नाइट्रोजन आइदर रिंग फॉर्म में है या चेन फॉर्म में है, और ईथर का मतलब ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम ईथर लिंकेज बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये तो ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों तरफ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, इधर इस रिंग के सिस्टम से जुड़ा हुआ है और इधर इस चेन के सिस्टम से जुड़ा, तो ये तो हो गया ईथर, और ये वाला हमारा नाइट्रोजन हो गया जिसको अपन एमिनो ग्रुप बोलते हैं। Keep in mind, यहाँ पे देखिएगा कैसे याद रखना है, डाइमेथिसोक्वीन, इसमें आइसोक्वी आ रहा है, क्या वर्ड आइसोक्वी याद आ रहा है, तो इसमें ये जो रिंग सिस्टम बना हुआ है, इस रिंग सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोक्यूनोलिन, क्या बोलेंगे, आइसोक्यूनोलिन। ओके, तो इस आइसोक्यूनोलिन से याद रखना, आइसोक्यू से आइसोक्यू, तो इस तरह से आपका नाम स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं अल्कोहल एंड फिनोल्स, दैट इज आवर फोर्थ कैटेगरी इन मिसलिनियस। मिसलिनियस में हमारी फोर्थ कैटेगरी है अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। यदि OH ग्रुप कार्बन चेन के साथ जुड़ा रहता है तो हम उसको अल्कोहल बोलते हैं, यदि OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा रहता है तो हम उसको फिनोल बोलते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल है, ये बेंजाइल अल्कोहल, OH ग्रुप यहाँ CH2 पे जुड़ा हुआ है, तो अल्यूम का एक हाइड्रोजन हटा दो तो बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं उसको, उसके साथ OH ग्रुप जोड़ दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। ओके, सिमिलरली क्लोरोब्यूटेनॉल होता है, क्लोरोब्यूटेनॉल देखिएगा चार कार्बन है, चार कार्बन का ब्यूट हो गया, OH की से OL हो गया, क्लोरो तीन क्लोरी ग्रुप होता है तो इसको क्लोरोब्यूटेनॉल बोलते हैं, क्लियर। बट ओबीएस मैंने बोला था फिनोल, OH ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है, बेंजीन पे, तो उसको फिनोल बोल रहे हैं। एक वर्ड आता है इंपोर्टेंट, यूजेनियोल। यूजेनियोल से देखिएगा यहाँ पे OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, फिनोल कैटेगरी के अंदर आ रहा है। यूजेनियोल किसमें मिलता है, क्लॉ में मिलता है, क्लॉ में मिलता है, मतलब लॉन्ग में मिलता है, उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये यूजेनियोल। लोकल एनेस्थेटिक के साथ में ये एज एनाल्जेसिक के तौर पे भी यूज करते हैं, जनरली ये दांत दर्द में काम में लिया जाता है। ओके, फिर आता है मोर्फोलिन। मोर्फोलिन किसको बोलते हैं, सिक्स मेंबर रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पैरा पोजीशन पे होता है, हम उसको मोर्फोलिन में बोलते हैं। तो ये वाला जो रिंग सिस्टम है, इस रिंग सिस्टम को हम मोर्फोलिन बोलते हैं। कीप इन माइंड, सिक्स मेंबर जिसमें पैरा पोजीशन पे एक तरफ नाइट्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन होगा तो हम उसको मोर्फोलिन बोलते हैं।
मॉर्फोलिन से याद रखना पैरामॉक्सिन, पैरामॉक्सिन मो से याद रखना पैरामॉक्सिन, ओके पैरामॉक्सिन ओके। यहां पे देखिएगा पैरा पैरा से चार पैरा पोजीशन पे तीन पैरा याद रखना, पी से पैरा पोजीशन बोल सकते हैं, तीन कार्बन याद रख सकते हैं और यहां पे ईथर लिंकेज जुड़ा हुआ है ठीक है। इसी तरह से पांच के बाद में छठा हमारा एसिटामाइड कैटेगरी में आता है जिसमें ऑक्सीटेन होता है और लास्ट में एक्रिडीन आता है, एक्री से याद रखना बुकरी केन, एक्री से याद रखना बुकरी, तो मींस इसमें एक्रिडीन रिंग सिस्टम होता है। ये है हमारा पूरा क्लासिफिकेशन। यदि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई लोकल एनेस्थेटिक्स विद सूटेबल एग्जांपल्स, तो जो मैंने पूरा वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है पूरा का पूरा आपको लिखना विद द स्ट्रक्चर, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा मैं यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत कैसे होता है, अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इसमें मैं एक चीज बताता हूं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा ड्रग है जो जिसमें जाइलिडीन रिंग से मोइटी नहीं होती, तो जाइलिडीन मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया है, जाइलिडीन आपको मैंने ये वाला पार्ट बताया है, तो देखना ब्यूटाइललिकिन में जाइलिडीन नहीं होता, प्राइलोकेन में जाइलिडीन नहीं होता, डाइब्यूकेन में जाइलिडीन नहीं होता, तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। या यूं कहूंगा कि ऐसा मॉलिक्यूल कौन सा है, ऐसा ड्रग कौन सा है जो जाइलिडीन डेरिवेटिव है या जाइलिडाइड है, तो आपको जाइलिडीन वाला पार्ट याद रखना है ओके। फिर उसी के बाद में ध्यान देना इसमें ऐसा दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है जिसमें क्यूनोलिन रिंग सिस्टम है, तो वो ड्रग का मॉलिक्यूल बताइए, दैट इज डाइब्यूकेन में क्यूनोलिन, मींस क्यूनोलिन रिंग सिस्टम कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक इज डाइब्यूकेन। सिमिलरली दूसरा बोल दो आइसोक्यूनोलिन रिंग कंटेनिंग सिस्टम इज डाइमेथिसोक्वीन ओके। सिमिलरली मैं दूसरा क्वेश्चन बोल दूं कि कौन मॉर्फोलिन कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक दैट इज पैरामॉक्सिन, तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत टिपिकल वाले हार्ड क्वेश्चन और ये आपके मेरिट को ऊपर नीचे कर देता है। तो इस तरह से आपका जो क्लासिफिकेशन है आपको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन जरूर याद करना चाहिए ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे से पूरा का पूरा चीज याद हो। जैसे दूसरा यूरेथेन कंटेनिंग, यूरेथेन कंटेनिंग या यूरेथेन एज ए लोकल एनेस्थेटिक कौन से है, तो आपको याद रखना फाली ये डाइप्रोकिन, डाइप्रो से याद रखना दो यूरेथेन होते डाई, इस तरह से दो यूरेथेन होते हैं, तो यार इस तरह से आपको पूरा क्लासिफिकेशन याद हो जाना चाहिए। यदि याद नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से वीडियो लेक्चर देखना, 100% मेरा विश्वास है कि आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।